क्या कर रहा है? हाँ जी पूछो। बोले देखिए आप लोगों ने कैसी लगी आप? थैंक यू। हंड्रेड करोड़ मैं छोटा नंबर बोल दिया यार। नहीं यार जेन्युइनली आई थिंक इज वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म्स एंड द काइंड ऑफ रिस्पांस वी आर गेटिंग फॉर द फिल्म इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। बहुत खुश हूँ, इतनी मेहनत की है, 16 महीने का इंतजार है, उसके बाद फिल्म रिलीज हो रही है। इट्स स्वेट एंड ब्लड वी हैव गिवन टू द फिल्म। सबने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी एक्साइटेड। किसी भी एक्टर के लिए लाइफ एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे किरदार आपको प्ले करने को मिले। थोड़ा स्ट्रेस था पहले, बट जैसे ही पोस्टर और ट्रेलर आया, जिस तरह का रिस्पांस आप लोगों ने दिया, तो स्ट्रेस खत्म हो गया। अब एक्साइटमेंट बचा है कल का। प्लीज़ जाके देखिए ताना जी कल थिएटर्स में। बहुत सारी आवाज़ें आई, बहुत सारी आवाज़ें आई एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द क्रिटिक्स एंड जिसने इसने फिल्म देखी है, जिन्होंने प्रेज किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड आई ट्राई एंड गिव माई बेस्ट इन 2020। दिस इज बिगिनिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ बिगिनिंग वी आर हैविंग, सो रियली ग्लैड। आगे आगे देखेंगे आप अलग अलग ऐसे किरदार, बट अभी जाके देखिए ताना जी, बहुत अच्छी फिल्म है। R&D always there, Gaurav and Ketul always been close. Raj is very close to us. So, जब भी चाहे वो बॉम्बे अड्डा हो, चाहे वो बॉम्बे अड्डा गोवा हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे R&D हो, R&D पहले आते थे, अभी कुछ रिनोवेट किया है, सो इट्स रीबर्थ ऑफ R&D एंड आई वुड लाइक टू विश गौरव, केतुल, राज ऑल द बेस्ट एंड रॉक।